जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हो दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में पटाखों के रोक के लिए चिट्ठियां लगातार भेजी जा रही है। पर्यावरण मंडल के आग्रह पर मंथन जो है जारी रहने वाला है। दीपावली जैसे जैसे करीब आती जा रही है, यह सवाल तेजी से सामने आ रहा है कि इस साल पटाखे चलाए जाएंगे या नहीं। तो इसी बीच दिल्ली पर जो बैन है वो लगा दिया गया है और साथ ही साथ राजस्थान में भी सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। इधर छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसकी संस्था छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल है, तो उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी करके आग्रह किया है कि महामारी को देखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त होगा कि पटाखे न जलाए जाए। इससे पहले हमने आपको सूचना दिया हुआ था कि विदेशी पटाखों के संरक्षण या फिर भंडारण पर रोक और बिक्री पर रोक जो है लगा दी गई है, यानी कि विदेशी पटाखों पर तो लगा दिया गया है पहले से ही। अब देखना यह होगा कि क्या जो देसी पटाखे हैं या फिर पूरी तरह से प्रतिबंध है पटाखों पर, क्या इस बार लगने वाला है। जो भी विचार आएगा वो तो हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर 11 नवंबर से सामूहिक हड़ताल पर संविदा चिकित्सक जाने वाले हैं। वेतन विसंगति को लेकर के पिछले कई सालों से ये जो चिकित्सक हैं लगातार अपना प्रदर्शन मांग जो है कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पाई है, अनफॉर्चुनेट। दोस्तों, आपको पता चले कि अंबेडकर अस्पताल के संविदा चिकित्सक 11 नवंबर से सामूहिक हड़ताल पर रहने वाले हैं। डॉक्टरों ने इसकी सूचना मेकाहारा प्रबंधन, डीन और डीएमई को भेज दी है। इसके अलावा संविदा डॉक्टर वेतन विसंगति को लेकर के पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनका वेतन बढ़ाने के लिए डीएमई की अध्यक्षता में 4 बार प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भी भेजा गया है, लेकिन अब तक इनका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है, जो कि सरकार की लेट लतीफी को भी एक बार दर्शाता है। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आई है, प्रदेश में एक बार फिर से पहला प्रयोग होने वाला है। बिलासपुर के अब हर घर के बाहर जो बार कोड है लगने वाला है। गाड़ी स्कैन नहीं हुई तो क्या पता चल जाएगा कि कचरा यहां पर उठा है या नहीं, यानी कि अब जो भी घर हैं, जिसके भी घर है, तो वहां पर एक बार कोड लगने वाला है। उस बार कोड को जो निगम के कर्मचारी हैं स्कैन करेंगे और वहां पर जो स्कैनिंग है उसके पश्चात पता चल जाएगा कि आखिरकार इस पर्टिकुलर घर से कचरा उठा है या नहीं। जैसे ही वो पता चलेगा तो उनकी जो कार्यवाही है आगे की जाएगी। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग के लिए नई कवायद शुरू की गई है और हो सके तो यह जो कवायद है अगर रंग लाता है तो पूरे प्रदेश स्तरीय यानी कि प्रदेश भर में इसका जो चलन है वो होने वाला है। इसके अलावा सामने से निकलते ही कचरा गाड़ी से बार कोड स्कैन होने वाला है। नगर निगम के सेंट्रल सर्वर पर यह जो डाटा है एकत्रित होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अभी जो ये काम है वो होने वाला है। इसके अलावा अगर ये काम सफल रहता है कचरा उठाने को लेकर के, तो ये पूरे प्रदेश स्तरीय भी लागू हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सिस्टम है वो जल्द ही सक्रिय होने वाला होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर धान खरीदी को लेकर के अपडेट है। केंद्र सरकार ने 2,70,000 गठान जो बार दाना है उसको रोक दिया है। इसी बीच जो धान खरीदी है उस पर छत्तीसगढ़ में असर होने वाला है, क्योंकि बार दानों की कमी के कारण जो धान खरीदी है वो यहां पर लेट लतीफी से होने वाला है। राज्य ने करीब 3,50,000 गठान बारदाना मांगा हुआ था, जो कि सप्लाई नहीं हो पाया है। सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है इस बार महामारी की वजह से। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये भरपाई कितने देर तक होने वाली है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच पिछले साल से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर के राजनीति आज तक जारी है। इसी बीच एक नया विवाद जो है सामने आने लगा है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए मांगे गए बारदानों की संख्या में ही कटौती कर दी है। और आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ द्वारा 3,50,000 गठान बारदानों की मांग की गई थी, जो कि धान रखने की बोरी सिंपली भाषा में बताए तो इसकी मांग की गई थी, लेकिन ये जो है भरपाई नहीं हो पाई है। केंद्र ने करीब 2,70,000 गठान बारदाना है उसको रोक दिया है, जो कि बहुत ज्यादा बेअसर जो है छत्तीसगढ़ में यानी कि इसका असर होने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर आई है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की हर एक खबर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती रहे।
दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर मौसम का बदलाव जो है छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मौसम में अजब गजब परिवर्तन नजर आ रहा है। अंबिकापुर से भी ठंडी जो है दुर्ग की रात बताई जा रही है। इस बीच 12 डिग्री सेल्सियस जो है दुर्ग का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड स्तरीय गिरावट जो है दर्ज की जा रही है। पड़ोसी जिले रायपुर में तो न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में 15 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव का क्रम जारी है। इसी बीच तापमान में अजब गजब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं अभी जो ठंडी है उसकी आनी बाकी है, यानी कि जो मौसम है वो अभी धीरे धीरे से बदल रहा है। इसके अलावा पूरी जो शीतलहर है वो दिसंबर के महीने में बताई जा रही है। खैर, जो भी अपडेट आएगा वो तो हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 15 नवंबर से सरकार को धान खरीदी करनी चाहिए ताकि किसान का दिवाला नहीं हो पाए, यानी कि उनकी दिवाली मन सके ताकि किसानों का दिवाला ना निकल सके। ऐसे में जोगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं लुवाई हो गई है, फिर भी खरीदी में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, ऐसा जो जोगी है उनका कहना निकल कर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की हुई है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर से आंदोलन नजर आ रहे हैं। इनका कहना है किसानों का कि आखिरकार 10 या फिर 15 नवंबर से जो धान खरीदी है वो जल्द से जल्द शुरू हो ताकि इनकी भी दिवाली जो है मन सके अन्नदाताओं की। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर अपनी क्या राय देने वाली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ की हर एक खबर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर महामारी के ताजा अपडेट आपको बताते चले। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब जो मरीजों की संख्या है, कुल मरीजों की संख्या 2 लाख की ओर बताई जा रही है। ऐसे में 1758 नए मरीज जो है बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। 53 मौतें भी बताई जा रही है, जिनमें IAS नीलकंठ टेकाम भी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। और प्रदेश में महामारी संक्रमितों की संख्या अब 2 लाख के करीब पहुंच गई है। ऐसे में बीते 24 घंटे की बात करें तो रायपुर में 135 समेत प्रदेश में को टोटल जो है 1758 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 58 मरीजों की मौत भी बताई जा रही है। नए केस को मिलाकर प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,97,993 पर पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी एक्टिव केस यानी कि जिनका इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है तो इनकी संख्या 23,066 बताई जा रही है। तो ये तो हो गई क्विक अपडेट महामारी की। दोस्तों इसी के साथ आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, इससे पहले वीडियो को जो है आप हर एक अपने जानकार व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी है छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स के संचालन के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी किया है। गाइडलाइन और SOP के तहत जो अनुमति है इसकी दी जा सकती है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कलेक्टर और संभाग आयुक्त को इसके लिए आदेश के मुताबिक गाइडलाइन और SOP के तहत सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति जो है दी जा सकती है। बता दें कि महामारी के चलते बीते कई महीनों से सिनेमा घर बंद है और इससे जुड़े लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दे दी है। अब राज्य सरकार भी इसके अनुमति देने में देरी नहीं करेगी, वो भी जल्द ही इसके लिए अनुमति देने वाली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री का कहना है कि गौठान जो है रोजगार का केंद्र बनने वाले हैं। CM ने कहा कि 77,000 गोबर विक्रेताओं को लगभग 9 करोड़ रुपए उनके पेमेंट के रूप में दिया जा चुका है। गोधन न्याय योजना में अब तक 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, तो वहीं वर्मी कंपोस्ट की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। ऐसा मुख्यमंत्री का बयान जो है निकल कर सामने आ रहा है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो गोधन न्याय योजना है ये कितने हद तक सक्रिय है या फिर कितने हद तक लोगों को रोजगार दे रहा है, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप जो है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आखिरकार इस योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कितने लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिल रहा है। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर आई है जहां पर जंगल सफारी में जो नया आकर्षण केंद्र है होने वाला है। रायपुर के जू में लोमड़ी, सियार, काला हिरन, पोटरी, नीलगाय और लकड़बद्धों के लिए जो नया बाड़ा है तैयार होने वाला है। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय से ही इसका लोकार्पण किया हुआ है। जंगल सफारी में अब कुल बाड़ों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। तो वही नया रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी और जू में नया आकर्षण का केंद्र जुड़ने वाला है।
सफारी प्रबंधन ने वहां लोमड़ी, सियार, चौसिंगा, काला हिरण, कोटरी, नीलगाय तथा लकड़बग्घे के लिए नया बाड़ा बना दिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से ही इसके जो है ऑनलाइन माध्यम से इसका जो लोकार्पण है किया हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इन नए बाड़ों के बनने की वजह से कितने और पर्यटक इस पर आकर्षित होकर जाने वाले हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर एक व्यक्ति तक, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।